दोस्तों आज सुबह मुझे एक भाई का मेल आया, ये वाला जिसको देख के ना आपका दिमाग खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले उन्होंने मेल पे लिखा था हेलो सर। उसके बाद इस बंदे ने मुझे मेल पे लिखा था हाय सर, मैं अपने चैनल पर बहुत अच्छी वीडियो डाल रहा हूँ फिर भी व्यूज नहीं आ रहा है। उसके बाद लिखा है कि लेकिन आप किसी भी तरह की वीडियो डाल रहे हो तो आपके व्यूज आ जाता है, ऐसा क्यों? मतलब इस बंदे का कहने का मतलब ये है कि ये अपने चैनल पर बहुत अच्छा अच्छा वीडियो डाल रहा है बट फिर भी इसके वीडियो पर रीच नहीं मिल पा रही है, यूट्यूब इसके वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा है, इसके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है। ये बंदे का कहने का अर्थ वो है। फिर लेकिन ये बोल रहा है लेकिन आप अपने चैनल पर किसी भी तरह की वीडियो डाल रहे हो फिर भी आपके वीडियो पर व्यूज आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? उसके बाद इन्होंने क्या किया है, यहां पे लिखा है क्या आप अपने चैनल पर कोई वायरल सेटिंग कर रखे हो, प्लीज हमें बताइए, या तो आप अपने चैनल की सारी सेटिंग बताइए जिससे हमारे वीडियो पर अच्छा रीच मिल सकता है, प्लीज रिप्लाई में। मतलब इस बंदे का कहने का अर्थ यह है कि सर आपने अपने चैनल पर ऐसा कौन सा सेटिंग को करके रखा है जिसकी वजह से आपके वीडियो का अच्छा खासा रीच मिलता है, आपका वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज आता है, प्लीज वो हमें बताइए, या तो कोई सेटिंग होता है वो बताइए, या तो आप अपने चैनल की पूरे सेटिंग बता दीजिए कि कौन कौन सा सेटिंग रखना है, कौन सा कीवर्ड डालना है, कौन सा कैटेगरी डालना है, सारा चीज बता दीजिए। तो इस भाई का कहने का अर्थ यही है। तो दोस्तों फाइनली आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं अपने चैनल पर अरविंद जॉन चैनल पर कौन कौन सा सेटिंग रखा हूं, कीवर्ड में क्या डाला हूं, कैटेगरी में क्या रखा हूं, कौन कौन सा सेटिंग रखा हूं, कौन सा सेटिंग डिसेबल किया हूं, कौन सा इनेबल किया हूं, सारे चीजें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको ए टू जेड बताने वाला हूं, जिससे क्या होगा कि आपके वीडियो पर काफी ज्यादा व्यूज आने की संभावना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने चैनल की सारा सेटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। मान के चलो कोई सेटिंग को इनेबल करना होता है उसको डिसेबल कर देता है, जो डिसेबल करना होता है उसको इनेबल कर देता है, मान के चलो कोई अपनी कैटेगरी चेंज कर देता है, कोई अपने कीवर्ड चेंज कर देता है, तो वो सारा चीजें सारा कंफ्यूजन आज दूर हो जाने वाला है। और आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं कि मैं अपने चैनल पर कौन कौन सा कीवर्ड, कौन सा सेटिंग, कौन सा कैटेगरी रखा हूं, सारा चीजें बताने वाला हूं। ध्यान से वीडियो को देखना जिससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलने वाला है और उस प्रकार से आप भी अपने चैनल के हिसाब से कैटेगरी कीवर्ड वगैरह सारी चीजें ऐड कर सकते हो, सारा का सारा सेटिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख लो 4 घंटे में 4000 व्यूज आ चुका है, ये देखो 1 दिन पहले 7000 है, 2 दिन पहले 11000 व्यूज है, 5 दिन पहले 11000 है, 4 दिन पहले 10000 है, और ये देखो 3 दिन पहले वाले भी अपन 46000 व्यूज है। मतलब व्यूज अच्छा खासा आ रहा है। मैं आपको अभी और भी दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे ये कुछ दिन पहले की वीडियो है, 6 दिन पहले की वीडियो, 6 दिन पहले वाली वीडियो पर 17000 व्यूज है, ये देखो 7 दिन पहले 42000 व्यूज है, 8 दिन पहले 29000 व्यूज है, और यहाँ पे देखो 9 दिन पहले 10000 व्यूज है, 10 दिन पहले 15000 है, और इस वाली वीडियो पर 36000 है। मतलब हर एक वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज आ रहा है। इसीलिए उस भाई ने मुझे मेल किया था, उन्होंने पूछा था कि आप किसी भी तरह की वीडियो डाल रहे हो, जैसे कि मैं अर्निंग का डाल रहा हूं तो इसमें भी व्यूज आ रहा है, यहां पे सब्सक्राइबर्स का डाल रहा हूं तो इसमें भी व्यूज आ रहा है, और यहां पे देखो शॉर्ट का डाल रहा हूं तो इसमें भी व्यूज आ रहा है, तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? आपने अपने चैनल पर कौन सा वायरल सेटिंग को रखा है, या तो कौन सा कीवर्ड डाले हो, या तो कौन सा कैटेगरी डाले हो, या तो कौन-कौन सा सेटिंग ऊपर नीचे मतलब डिसेबल वगैरह इनेबल वगैरह की हो, वो चीज बताओ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो क्या करता हूं, सबसे पहले आता हूं अपने ब्राउजर में, ब्राउजर को आपके सामने ओपन कर लिया हूं, मैं आपको बिल्कुल यहां पे सारा बताने वाला हूं, एक एक करके समझाने वाला हूं, ध्यान से देखो। जैसे कि देखो अभी डिजिटल वर्ल्ड में मेरा अरविंद जॉन चैनल लॉगिन नहीं है, तो अभी लॉगिन करूंगा तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए मैं अलग मोबाइल में रखा हूं, अलग डिवाइस में लैपटॉप में रखा हूं। तो अभी मैं इसी चैनल पर आपको सारा सेटिंग करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि दोनों चैनल का जो सेटिंग होता है ना ऑलमोस्ट सेम है। मेरा ये जो चैनल है, ठीक है, ये जो चैनल है ग्रो ऑन फास्ट, इस चैनल पर मैं ज्यादातर काम नहीं करता हूं, बस मैं इसको एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया हूं, बट इस चैनल पर जो सेटिंग रखा हूं ना वो लगभग सेम सेटिंग में अरविंद जॉन चैनल पर भी रखा हूं, दोनों मतलब चैनल पर लगभग सेम सेटिंग है। तो अभी मैं आपको एक एक करके इस चैनल की सारा सेटिंग खोल के एक्सप्लेन करके आपको दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या करना है। जैसे कि देखो ध्यान से, सबसे पहला आता है सेटिंग का बात, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो नीचे की तरफ क्रोम में जाना है, क्रोम में जाने के बाद आपको सबसे पहले यहां पे कर लेना है YT स्टूडियो को ओपन, क्रिएटर स्टूडियो को क्रोम में, वहां पे जाने के बाद क्या करना है, देखो कोने में मिल जाएगा सेटिंग का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके चैनल की सारा का सारा सेटिंग यहां पे ओपन हो जाएगा। तो देखो सबसे जो मैक्सिमम रोल होता है ना यहीं पे होता है, यहां पे आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग करना पड़ता है जिससे आपको वीडियो पर अच्छा खासा रीच मिल पाता है, आपका वीडियो ज्यादा ज्यादा परफॉर्म देता है, मतलब ज्यादा प्रमोट होता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, चैनल यहाँ पे हो गया, जनरल हो गया, चैनल अपलोड डिफॉल्ट परमिशन, कम्युनिटी, क्रिएटर डेमोग्राफी, ठीक है, यहाँ पे देखो प्रमोशंस और यहाँ पे एग्रीमेंट, मतलब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको 3-4 जगह पे काम करना है, बाकी बेकार का चीज़ है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही बताऊंगा और आपको क्या कहाँ पे रखना है ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे देखो जनरल में, तो जनरल में आता है करेंसी वगैरह सेट करने का, तो यहाँ से आप करेंसी वगैरह मतलब सेट कर सकते हो। अगर मान के चलो आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो यहाँ से ना करेंसी रख सकते हो, उसी आपका अर्निंग शो होगा। जैसे कि यूएसडी रखा हूं तो यूएसडी में शो होगा। अगर मान के चलो यहां से मैं कर देता हूं INR, ठीक है,
जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो ये रहा INR, यहाँ पे देखो इंडियन रुपीस, इसके ऊपर क्लिक कर दिया हूँ तो यहाँ से क्या होगा कि मेरा जो अर्निंग होगा ना वो इंडियन रुपीस रुपीस में दिखेगा। अगर यहाँ पे मैं डॉलर रखूंगा USD रखूंगा तो वो डॉलर में दिखेगा। तो यहाँ पे जनरल में आपका यही होता है, तो ये कर लेना। उसके बाद आते हैं चैनल पे। चैनल पे आने के बाद मैक्सिमम लोग गलती करते हैं यहाँ पे देखो, ये देखो कीवर्ड में, कीवर्ड में ना मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका वीडियो रैंक नहीं करता है। अब देखो कीवर्ड आपको कैसे डालना है। सबसे पहले देखो कि आपका चैनल क्या है। मान के चलो आपका कुकिंग का चैनल है, ठीक है। अगर आपका कुकिंग का चैनल है, या तो आपका मान के चलो गेमिंग का चैनल है, ठीक है, या तो आपका टेक का चैनल है, आपका जिसका भी चैनल है, मतलब जिस तरह का चैनल है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है। अगर मान के चलो मेरा चैनल है टेक का, तो मैं क्या करूंगा, टेक से मिलता जुलता यहां पे क्या करूंगा, कीवर्ड को ऐड करूंगा, जो जो टॉपिक ट्रेंडिंग है। जैसे कि देखो YouTube चैनल ग्रो, ये हो गया टैग चैनल में एक कीवर्ड हो गया जिस पर ज्यादा काम करते हैं, ग्रो YouTube चैनल, ठीक है। फिर क्या लिखा हूं, व्यूज कैसे बढ़ाएं, यहां पे देखो क्या लिखा हूं, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, हाउ टू ग्रो YouTube चैनल, यहां पे देखो। उसके बाद यूट्यूबर बनो, ये देखो अपने चैनल का नाम डाल दिया हूं, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube, शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें, यहां पे देखो स्प्रेडिंग ज्ञान, क्रिएटर सर्च, शॉर्ट्स, मनोज दे, मतलब आपको वो सब यहां पे कीवर्ड का यूज करना है जो ज्यादा पॉपुलर हो। अगर आप टेक में काम करते हो तो आपको देखना कि आप किस प्रकार के वीडियो ज़्यादातर बनाते हो। जैसे कि मैं इस चैनल पर ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ, किस प्रकार से सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें, तो मैंने ये सब कीवर्ड को यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। तो आपका गेमिंग का चैनल है, कुकिंग का है, टेक का है, किसी भी तरह का चैनल है, जिस टॉपिक पे आप ज़्यादा काम करते हो वही सब टॉपिक को यहाँ पे ऐड कर देना कुछ इस प्रकार से। क्योंकि देखो अगर मान के चलो मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ये मैं कीवर्ड में ऐड कर दिया हूँ, तो इससे मेरा चैनल तो रैंक करेगा। अगर मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बना दूंगा ना तो मेरा रैंक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ हमारा ग्राफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत यूजफुल चीज़ है। और इसी तरीके से मैं अपने अरविंद जॉन चैनल पर भी ऐड कर रखा हूँ, कस्टमाइज कर रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाम वगैरह ऐड करना ही है। उसके बाद आपके कैटेगरी में, आपके लेवल में जो आपसे पॉपुलर यूट्यूबर है उन सब कुछ यूट्यूबर के नाम को ऐड कर देना है, दो तीन यूट्यूबर का। जैसे कि टेक में देखो ये सब है, क्रिएटर सर्च हो गया, स्प्रेडिंग ज्ञान हो गया, मनोज दे हो गया, मेरे से पॉपुलर यूट्यूबर, तो मैंने वो सबका नाम यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ, ऐड कर दिया हूँ, ताकि ज़्यादा ज़्यादा परफॉर्म करेगा, ये सब की ऑडियंस के पास हमारा वीडियो कहीं ना कहीं रिकमेंड करेगी, कहीं ना कहीं परफॉर्म करेगी, मतलब उनकी अगल बगल में वीडियो हमारा फैल जाएगा, ठीक है। तब वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या करना है, बेसिक में यहाँ पे कर लेना है कीवर्ड को ऐड। आपको मतलब जिस प्रकार के, जिस टॉपिक पे आप ज़्यादा काम करते हो वही सब कीवर्ड को ऐड करना है। अब दोस्तों बात करते हैं एडवांस का, तो ये सब ज़्यादा काम का चीज़ नहीं है, यहाँ पे बस आपको रख देना है नो। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप वीडियो आपका बच्चों के लिए है या तो नहीं, तो यहाँ पे आपको कर देना है नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक, ठीक है बस। उसके बाद ये वाला तो अलग चीज़ है, ठीक है, इसको यहाँ पे इनेबल करना पड़ता है, वो इनेबल कर लेना, अभी उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अपलोड डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो है अपलोड डिफ़ॉल्ट ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से उसका वीडियो सही लोगों के पास नहीं पहुंचता है या तो परफॉर्म ही नहीं करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से और सही से समझ लेना। अब दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया हूँ, तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे टोटल तीन ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। पहला हो गया बेसिक का, दूसरा एडवांस का, और तीसरा हो गया मोनेटाइजेशन। बेसिक में आपका बेसिक का काम होगा, एडवांस में आपका एडवांस लेवल का काम होगा, ठीक है। तो एडवांस वाला हम बाद में जानेंगे, इससे पहले जानते हैं बेसिक वाला। यहां देखो आएगा टाइटल और यहां आएगा डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग का पता है कि ये टाइटल और यहां पे डिस्क्रिप्शन क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूं, और यहां पे क्या क्या डालना चाहिए यह भी आपको बताता हूं। अब दोस्तों मान के चलो सपोज दैट आप अपने वीडियो को डेली क्रोम ब्राउजर से अपलोड करते हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए आप अपने वीडियो को डेली क्रोम ब्राउजर से अपलोड करते हैं, तो वहां पे क्या करना पड़ता है, अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ लिखते हैं ना, तो बार बार कहीं और से कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में पेश करना पड़ता है, या तो एक एक करके लिखना पड़ता है। तो आप वैसे में क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी कुछ चीज़ें को लिख सकते हो। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ हेलो दोस्तों, ठीक है, मान के चलो हेलो दोस्तों मेरा नाम, मतलब आप जो चाहो लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसके बेसिक के डिस्क्रिप्शन में अगर एक बार कुछ लिख के और टाइटल में भी कुछ लिख के सेव कर दोगे ना, तो आप क्रोम से जितने भी वीडियो को अपलोड करोगे वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ये वाला डिस्क्रिप्शन ले लेगा, और यहाँ पे जो टाइटल लिखोगे टाइटल को ले लेगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे टाइटल को रिनेम करो, या तो डिस्क्रिप्शन को रिनेम करो, नहीं कर रिनेम नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट पब्लिश कर दोगे, तो आपका ये वाला लिखा हुआ रह जाएगा। मतलब जिसको बार बार डिस्क्रिप्शन में एक ही चीज़ को रोज लिखने का काम आता है ना, मान के चलो कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, या तो कोई एक ही कोई ऐसा चीज़ है जो कि बार बार रोज डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ता है, तो उस चीज़ को आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे एक बार ऐड करके छोड़ दो। उसके बाद जब भी आप क्रोम से वीडियो अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिक आपके डिस्क्रिप्शन में वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये बहुत ही काम का चीज़ है। मैं अपने मेन चैनल पर, अरविंद जॉन चैनल पर, यहाँ पे ऐड कर रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में, मतलब जो रोज काम लगता है, ठीक है, सोशल मीडिया का लिंक वगैरह देके रखा हूँ। तो ये हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एडवांस सेटिंग में, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो मैक्सिमम चीज़ ना यहीं पे लोग मिस करते हैं, गलती करते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे है लाइसेंस, ये यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस, इसको रहने देना, ठीक है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। इसके बाद देखो यहाँ पे आएगा वीडियो लैंग्वेज का,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे क्या होता है कि YouTube आपको वीडियो को समझता है, आपको वीडियो को रीड करता है, और उसके बाद ही YouTube आपके वीडियो को बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाता है। लेकिन लोगों के पास तब पहुंचाएगा जब वो आपके वीडियो को समझ पाएगा। क्योंकि मान के चलो आपने कोई वीडियो बनाया टैक्स से रिलेटेड, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड कोई वीडियो बनाया, तो पहले YouTube समझेगा कि ये वीडियो टैग का है। मान के चलो ये वीडियो टैग का है, समझेगा YouTube, तभी तो वो टैग वाले ऑडियंस के पास भेजेगा। अगर मान के चलो आपने टैग की वीडियो बनाया और YouTube समझ ही नहीं पाया कि ये वीडियो किस तरह का है, क्या ये टैग का वीडियो है, कॉमेडी का है, ब्लॉग का है, अगर YouTube समझ नहीं पाया ना तो वो कैसे ऑडियंस के पास भेजेगा? वैसे में YouTube क्या करेगा, किसी के पास नहीं भेजेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वीडियो YouTube समझ जाता है तो वो समझ जाएगा, तो वो तुरंत भेजना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज ऐड करना है। अगर आप हिंदी में वीडियो बनाते हो तो हिंदी लैंग्वेज ऐड कर दो, अगर आप इंग्लिश में बनाते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज ऐड कर दो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वीडियो अपलोडिंग कंप्लीट होता है, अपलोड कंप्लीट होने के बाद आपके सामने प्रोसेसिंग लेता है आपके वीडियो में, 1% से लेकर 100% तक प्रोसेसिंग लेता है अपलोड होने के बाद। क्यों लेता है? इसीलिए यहाँ पे YouTube आपको वीडियो को एनालाइज करता है, रीड करता है, YouTube समझता है और उसी टाइम सारा का सारा चीज जांच कर लेता है। उसके बाद YouTube उसी प्रकार से ऑडियंस के पास आपको वीडियो भेजना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने वीडियो में सही से लैंग्वेज ऐड करना पड़ेगा, लैंग्वेज ऐड करोगे तभी वो समझ पाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, देखो कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, मिस करते हैं, जिसके वजह से उनके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे करता हूँ इसके ऊपर क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कैटेगरी उल्टा पुल्टा सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे कि मैक्सिमम लोग का ना यहाँ पे नन पे होता है इस प्रकार से, मैक्सिमम लोग का। आप भी जाके चेक करना, अगर आपने यहाँ पे कस्टमाइज नहीं किया है ना तो आपका कुछ इस प्रकार से होगा नन का, और अगर यहाँ पे नन का होगा तो समझ लो भाई आपका वीडियो कभी भी वायरल नहीं होने वाला है, YouTube कभी भी प्रमोट ही नहीं करेगा। क्योंकि देखो आप अपने चैनल पर वीडियो क्या डाल रहे हो वो YouTube को समझाओगे तभी तो वो उसे ऑडियंस के पास भेजेगा। जैसे कि मैं अपने चैनल पर टैक्स रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ तो YouTube समझ रहा है कि ये बंदा टैक्स रिलेटेड वीडियो डाल रहा है, तो YouTube हमारे वीडियो को टैग देखने वाले ऑडियंस के पास भेज रहा है। अगर मान के चलो आप गेमिंग की वीडियो डाल रहे हो और YouTube समझ ही नहीं पाएगा तो फिर आपका वीडियो गेमिंग वाले ऑडियंस के पास कैसे भेजेगा, बताओ? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा YouTube को कि मैं इस तरह की वीडियो डालता हूँ, बताओगे तभी तो वो ऐसे ऑडियंस के पास भेजेगा। जैसे कि मैं क्या करूंगा, अगर मान के चलो मेरे चैनल पर कॉमेडी की वीडियो डालती है, मैं कॉमेडी की वीडियो डालता हूं तो यहां पे मैंने कॉमेडी सेलेक्ट कर दिया हूं और यहां से सेव कर दूंगा ना, तो अब क्या करेगा YouTube मेरे ज्यादातर वीडियो को कॉमेडी देखने वाले ऑडियंस के पास भेजना स्टार्ट कर देगा, उनके सामने रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा और ऐसे में हमारे वीडियो पर ज्यादा ज्यादा व्यूज आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी सही से सिलेक्ट कर लेना है आपका जो भी कैटेगरी है। तो मैं अपने कैटेगरी में रखा हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये देखो ये रखा हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको कर देना है यहाँ पे सेव कुछ इस प्रकार से। अब देखो एक और बहुत ही लास्ट में महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपका वीडियो डायरेक्ट लोगों के पास पहुँचेगा, वो देखो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ सिंपल तरीके से मैं अपने कंटेंट में, और जो चीज़ बताने वाला हूँ ना ये चीज़ें को आप जब वीडियो अपलोड करोगे ना अपलोड करने के बाद ही करना है, मतलब वीडियो पब्लिश करने से पहले करना है, अपलोड करने के बाद और पब्लिश करने से पहले ये ट्रिक कर लेना है, ठीक है। मतलब वीडियो पब्लिश करने के बाद ये ट्रिक काम नहीं करेगा, तो समझ लो वीडियो जब पब्लिश करोगे उससे पहले ये ट्रिक को कर लेना है। जैसे कि मान के चलो ये मेरा वीडियो है, सपोज दैट ये वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया हूँ, अभी तक पब्लिश नहीं किया हूँ, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अभी तक पब्लिश नहीं किया हूँ, तो क्या करूँगा, जैसे कि अभी मैं इस वीडियो को पब्लिश करने वाला हूँ, ठीक है, पब्लिश करने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली पब्लिश करने से पहले आऊंगा यहां पे, ठीक है, क्रोम में, और आने के बाद यहां पे डिटेल्स में आऊंगा और थोड़ा सा यहां पे स्क्रॉल करूंगा। जैसे कि बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है, नीचे की तरफ आना है, फिर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सो मोर का, मोबाइल पे भी आ जाएगा, ठीक है, देख लेना ट्राई करके। यहां पे मैं करता हूं इसके ऊपर क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और स्क्रॉल करता हूँ नीचे की तरफ, और थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, फिर हमारे सामने यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो आपके भी मोबाइल पे ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन ये आपको कब करना है, जब आप वीडियो अपलोड करोगे उससे पहले, अपलोड करने के बाद ये ट्रिक काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो है लाइसेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ना, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखो आपको टोटल दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। ये बहुत ही कमाल का चीज़ है, यही चीज़ को आपको करना है वीडियो पब्लिश करने से पहले। इससे क्या होगा कि आपका वीडियो डायरेक्ट आपके सब्सक्राइबर्स के पास तुरंत के तुरंत पहुंच जाएगा और उससे आपका व्यूज भी आएगा। कैसे, ये पहले समझ लो। यहाँ पे क्या लिखा है, अलाउ एम्बेडिंग, तो इसके ऊपर आपका टिक लगा होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग का ये नीचे जो दिख रहा है ना, ये मेरा हाईलाइट नहीं हो रहा है। हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, देखो ये ऊपर वाला हाईलाइट हो रहा है लेकिन ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्यों पता है? ये हाईलाइट नहीं होने का रीज़न यही है कि इस वीडियो को मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। अगर आप वीडियो को पब्लिश नहीं करोगे तो यहाँ पे हाईलाइट होगा, जैसे ये हो रहा है ना उसी प्रकार से। तो यहाँ पे लिखा है पब्लिश टू सब्सक्रिप्शन फीड एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर्स, मतलब इसका अर्थ ये कि जब आप वीडियो को पब्लिश करोगे ना तो आपका वीडियो सब्सक्रिप्शन फीड में जाएगा और साथ ही आपके सब्सक्राइबर बस को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहां पे आपको टिक लगा देना है। बहुत सारे लोगों का अनटिक होता है, और अनटिक रहेगा तो आपको वीडियो सब्सक्रिप्शन फीड में नहीं जाएगा और लोगों को नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका टिक लगा हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पे जरूर से जरूर टिक लगा लेना, टिक लगाने के बाद आपको अपने वीडियो को पब्लिश करना है, क्योंकि टिक लगा हुआ रहेगा ना तो क्या हुआ कि आपका वीडियो डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन फीड में जाएगा लोगों के, और नोटिफाई के द्वारा भी जाएगा आपके सब्सक्राइबर्स के पास, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी जरूर से कर लेना। तो बस कुछ यही सब इंपॉर्टेंट सेटिंग था जो कि मेरे चैनल पर है। तो अगर ये सब सेटिंग आपने भी कर रखा है तो आपको भी बहुत अच्छा खासा रीच मिल जाएगा, अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अदरवाइज अगर आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हो, आपका सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।